ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आइए अब ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पर नजर करते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताने के लिए आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हमारे पास। हाय गुड मॉर्निंग। सो पहली रिपोर्ट नोमूरा की आई है वोल्टास पर, जहां उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस कट कर दिया है, 1270 रुपीज से कट कर 1084 रुपीज कर दिया है। उन्होंने कहा कि क्वार्टर फोर में हमने थोड़ा कंप्रेशन देखा, अग्रेसिव कॉम्पिटिशन के कारण क्वार्टर फोर के रिजल्ट पर थोड़ा सा इम्पैक्ट देखा गया। नियर टर्म में मार्जिन प्रेशर्स रह सकते हैं और उसी के कारण वैल्यूएशन थोड़े डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर नजर आ रहे हैं। आगे चलते हुए कंपनी मार्केट शेयर गेंस पर फोकस करेगा। नवीन फ्लोरिन के भी कल नतीजे आए और उसी के चलते जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने होल्ड का रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस कट कर दिया है 4215 रुपीज से 3825 रुपीज पर। उन्होंने कहा कि क्वार्टर फोर में रेवेन्यू, एबिटा मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन तीनों पैरामीटर्स पर हमने एक मिस देखा। उन्होंने FY23 का EPS एस्टिमेट्स कट कर दिया है 11% से, FY24 का EPS एस्टिमेट्स कट कर दिया है 9% पे, क्योंकि हाई एनर्जी फ्रीक्वेंट फ्रेट और सॉल्वेंट कॉस्ट आगे चलते हुए बढ़ सकते हैं और कंपनी अपने कस्टमर्स को प्राइस हाइक पास ऑन करने में थोड़ा सा लैग करता है। न्यू फ्लूरो स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट के कारण FY26 के रेवेन्यूज 20% से बढ़ सकते हैं और इसी कारण कंपनी में अच्छी खासी विजिबिलिटी दिखाई दे रही है आगे चलते हुए। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर। याद रखिए अप्रैल महीने का डेटा आया था इंश्योरेंस कंपनीज का और उसी के चलते ये रिपोर्ट आई है। अप्रैल 2022 में हमने स्ट्रॉन्ग मंथ ऑन मंथ और YOY का इंप्रूवमेंट देखा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में। YOY इंडिविजुअल APE ग्रोथ अप्रैल महीने में 39% पे था इंडस्ट्री के लिए और 46% पे था प्राइवेट सेक्टर के लिए। HDFC लाइफ में थोड़ा सा स्लगिशनेस देखा, लेकिन SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल ने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाया है मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अप्रैल के महीने में। लास्टली जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी SRF पर, जहां उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 2010 रुपीज पर शेयर का। उन्होंने कहा कि क्वार्टर फोर के नतीजे अच्छे थे, केमिकल्स और पैकेजिंग फिल्म डिवीजन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा इस क्वार्टर में। इनफैक्ट उनके एस्टिमेट से अच्छे नतीजे आए हैं। ईबिट मार्जिन्स मल्टी ईयर हाई पे थे 23% पे। केमिकल्स और पैकेजिंग फिल्म सेगमेंट में अच्छे नतीजे थे, लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल्स ईबिट उनके एक्सपेक्टेशन से कम आए थे और इसी के चलते उन्हें अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस दिया है 2010 रुपीज़ पर शेयर का। बिल्कुल आशीषा, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो ये सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है और इससे जुड़े अपडेट्स भी दिन भर में हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कल बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा बताने के लिए सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। अगर कल की बात करें तो निफ्टी करीब 100 पॉइंट्स का डिक्लाइन हमें देखने को मिला और दूसरे लगातार दिन के लिए हमें निफ्टी में वीकनेस देखने को मिली है। जो क्लोजिंग थी वो नियर 16,300 लेवल के आसपास हुई। निफ्टी बैंक इंडेक्स अगर हम बात करें तो लगातार 4 दिनों से ये इंडेक्स गिरे जा रहा है। करीब 5% का डिक्लाइन अब तक हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में दिखा है। उसके अलावा अगर हम सेक्टोरल इंडेसेस की बात करें तो सारे सेक्टोरल इंडेसेस में कल के ट्रेड में वीकनेस देखने को मिली थी, सिवाय कि निफ्टी IT इंडेक्स। हालांकि निफ्टी IT इंडेक्स में भी कुछ खास गेंस नहीं थे, 0.1% लगभग फ्लैट कह सकते हैं ऐसी क्लोजिंग हुई थी निफ्टी IT इंडेक्स की। अब निफ्टी एनर्जी की अगर हम बात करें तो करीब 2.5% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। पिछले 2 दिन से ये इंडेक्स गेन किए जा रहा था बट कल के ट्रेड में नेगेटिव क्लोज हुआ और जो फॉल थी निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में वर्स्ट वन डे डिक्लाइन थी Feb 24 से लेके अब तक। अब निफ्टी मीडिया इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 2.5% का डिक्लाइन दिखा है। करीब 4 दिनों से लगातार इंडेक्स गिरे जा रहा है और जी में अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा फॉल था कल के ट्रेड में करीब 5% से ज़्यादा का और उस वही स्टॉक ने निफ्टी मीडिया इंडेक्स को पूरा पुल डाउन किया था कल के ट्रेड में। निफ्टी PSU इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 2% से ज़्यादा के फॉल्स देखने को मिले। लगातार 6 दिनों से ये इंडेक्स कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है। कल कैनरा बैंक में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन था करीब 8% का। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 2% से ज़्यादा के फॉल थे और पिछले 2 दिनों से ये इंडेक्स 2% का लोअर डाउन सर्किट नहीं एक्चुअली लो डाउन 2% का डिक्लाइन मारे जा रहा है। अब निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें रिलायंस में काफ़ी वीकनेस देखने को मिली थी कल के ट्रेड में। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपनी ने अनाउंस किए थे फ्राइडे पोस्ट मार्केट। हालांकि रिजल्ट तो इन लाइन थे एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने बट हमें जो रिजल्ट के पहले जो आउट परफॉर्मेंस दिखी थी शेयर प्राइस में उसी कारण थोड़ा बहुत करेक्शन या प्राइस करेक्शन हमें कल के ट्रेड में देखने को मिला। क्योंकि हो सकता है ऐसा कि मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया हो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट को। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इंडसइंड बैंक और नेस्ले ये दोनों ही स्टॉक में पिछले 4 दिनों से वीकनेस देखने को मिल रही है। दोनों ही स्टॉक
10% से ज्यादा अब तक गिर चुके हैं पिछले चार दिनों में। हीरो मोटर स्टॉक ये पिछले दो दिनों से गेन किया जा रहा था, बट कल के ट्रेड में नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली। और गेनर्स में अगर हम देखते तो आईटी इंडेक्स, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इंडेक्स की क्लोजिंग फ्लैट हुई थी, बट कुछ स्टॉक्स थे जिसमें थोड़े बहुत गेन्स दिखे थे, जैसे कि एचसीएल टेक और इन्फोसिस में 2% के आसपास के गेन्स। ये गेन्स इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि रुपी जो है वो डिप्रिशिएट कर रही थी, और रुपी जब डिप्रिशिएट करती है तब आईटी कंपनीज को इसका एक मार्जिन और रेवेन्यू में बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा पावर ग्रिड की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक पिछले दो दिनों से लगातार गेन किया जा रहा है, कल के ट्रेड में टॉप गेनर था, 2.7% के गेन्स हमें पावर ग्रिड में कल के ट्रेड में दिखे थे। बिल्कुल, साथ ही सौमित, फिर कल के लिए ट्रेंडिंग शेयर्स कौन से रहे, आज के लिए ट्रिगर्स कौन से हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए? कल ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रा फोकस में था, कंपनी को एक नया ऑर्डर विन आने की एक्सपेक्टेशन है 1400 ई बसेस के, और जो ऑर्डर की वैल्यू है वो करीब 2500 करोड़ के आसपास की है। इसी दम पे हमें इलेक्ट्रा में गेंस दिखे थे। वेस्यूएस इंडिया, नाउ इनकी जो कंपनी की प्रॉफिट थी वो 47% ग्रो किया ऑन वाई ओ वाई बेसिस, और उसी दम पे हमें जो कल के ट्रेड में शेयर प्राइस राइज दिखा था वो कभी हाईएस्ट था पिछले 17 महीनों में कंपनी के लिए। इंडस टास की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक कल के ट्रेड में आउट परफॉर्म कर रहा था। इसके पीछे के कारण ये भी हो सकते हैं कि पहले हमें काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखा है स्टॉक में कंपेयर टू इंडेक्स, वैल्यूएशंस काफ़ी चीप हो गई है, स्टेबल डिविडेंड इनकम आती है अगर आप देखते हैं तो, डिविडेंड यील्ड जो है इस कंपनी की वो 5.5% के आसपास की है, प्रोमोटर भी स्टेक खरीद रहा है, और बैलेंस शीट भी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो बाकी टेलीकॉम कंपनीज के सामने। तो इसी कारण थोड़े बहुत गेंस हमें इंडस्टार्स में दिख सकते हैं, दिखे थे कल के ट्रेड में। एबीबी इंडिया की अगर हम बात करें तो लगातार तीन दिनों से ये स्टॉक गेन किया जा रहा है, जब से कंपनी ने अपनी रिजल्ट अनाउंस की थी काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक और ऑर्डर इनफ्लो था कंपनी का रिजल्ट में, उस टाइम से लेकर अब तक ये स्टॉक कंटिन्यूसली गेन किया जा रहा है। और कल के वॉल्यूम्स की भी अगर हम खासकर बात करें तो 4 times थे 20-day एवरेज के सामने। इंडोस्टार कैपिटल में अगर हम देखें तो एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने कुछ इररेगुलरिटीज़ फाइंड की थी उसी सीवी पोर्टफोलियो में कंपनी के, और उस कारण उनका ऐसा मानना है कि कंपनी को प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी जो करीब 677 करोड़ तक जा सकती है, और इसी कारण हमें वीकनेस इंडोस्टार कैपिटल में दिखी। अब कैनरा बैंक और कैनफिन होम्स की अगर हम बात करें तो ईटी नाउ की एक स्टोरी थी जिसमें वो कह रहे थे कि एनएचबी ने ऑडिट शुरू की है कैनफिन होम्स में क्योंकि उन्होंने कुछ फ्रॉड डिटेक्ट किया है 37 अकाउंट्स में। इसी कारण दोनों ही स्टॉक में हमें वीकनेस दिख रही थी। हिंदुस्तान कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर की प्राइसेस में थोड़ी गिरावट आ चुकी है, कॉपर पिछले 5 दिनों से इनफैक्ट गिरे जा रहा है, और इसी कारण हमें हिंदुस्तान कॉपर में भी वीकनेस दिखी। और पेज इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो कल की जो फॉल थी पेज इंडस्ट्रीज़ में वो बिगेस्ट फॉल थी पिछले 15 हफ्तों में। और आज के लिए अभी कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, पहले तो अजंता फार्मा क्योंकि कंपनी की बोर्ड मीट है जहां पे वो रिजल्ट भी कंसीडर करने वाला है और बोनस इशू भी कंसीडर करने वाला, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। उसके अलावा रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर, ये कंपनी ने अपनी आईपीओ ओपन की थी, आज लिस्टिंग है, आईपीओ प्राइस जो थी वो 542 रुपीज़ की थी, और जो सब्सक्रिप्शन डेटा था वो करीब 12 times सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ। उसके अलावा एक और आईपीओ आज खुल रहा है वो है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, प्राइस बैंड है 595 to 630, इशू साइज है 539, और कल ही कंपनी ने करीब 24 एंकर इन्वेस्टर्स से फंड्स रेस किए थे, उन्होंने करीब 25 लाख शेयर्स बेचे थे उनको अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में जो कि 630 रुपीज़ है। उसके अलावा काफ़ी सारे कंपनीज की आज रिजल्ट आने वाली है, निफ्टी में 2 companies है, एशियन पेंट्स और सिप्ला, और उसके अलावा अगर हम देखते तो काफ़ी सारी कंपनीज है जैसे कि गुजरात गैस, महानगर गैस, पॉलीकैब, वोडाफोन आइडिया, मैक्स फाइनेंशियल, MRF, टॉरेंट पावर, सेरा सैंट्री, EPL, अजंता फार्मा जैसे मैंने पहले ही कहा, कैंसा नेरोलैक, एमटा टेक, वेल्सपन इंडिया और बैंकीज, ये सारी कंपनीज फोकस में रहेगी क्योंकि इनकी आज फोर्थ क्वार्टर की रिजल्ट्स अनाउंस होने वाली है। बिल्कुल सौमित, ये सारे ऑफकोर्स कल किस तरह के बाजार दिखे, ट्रेंड क्या है और साथ ही ट्रिगर्स क्या है ये आपने बताया।